अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए। जैसा कि आज हमारे पास एक 3 वॉट का एलईडी बल्ब है जो कि कंटिन्यूसली लाइट इमिट नहीं कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए? तो इन जनरल हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है भाई पावर सप्लाई का हो, जो यहाँ पर है ये पावर सप्लाई, बट ये जो है ये डिफरेंट केस है जिसमें पावर सप्लाई का कोई फॉल्ट नहीं है, ये एलईडी पैनल से इसमें फॉल्ट है। तो देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना है। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इसे रिमूव करते हैं। ये देखिए ये हमारा एलईडी पैनल, तो यहाँ पे पीछे 3 स्क्रू दिए हुए, 1 2 3, इसे ओपन करते हैं। ये देखिए ये ओपन हो गया, ये हमारे पास ये एलईडी पैनल जो है हमारा निकल आया है। अब देखना ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें तो 3 एलईडी है, अगर इसे हम डीसी पर फ्रिक्वेंटली चेक करना चाहें, हमारे पास वोल्ट मीटर, ये देखिए वोल्ट मीटर बी बजर पर ये ऑलरेडी सेट है डायोड की रेंज पर, ये देखिए। तो इस पर हम अल्टरनेट चेक करते हैं कि क्या हमारा एलईडी सही है। देखिए ये एलईडी जो है बहुत स्लाइटली लेकिन ग्लो कर रहा है, तो ये एलईडी तो सही है लग रही है। ये एलईडी भी ग्लो कर रही है, और ये एलईडी को भी देख लेते हैं। तो ये तीनों एलईडी ग्लो कर रही है, इसका मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये एलईडी जो है सही है ये डीसी मीटर पर चेक करने पर। लेकिन होता ये है कि जब हम इसे जब इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं थ्रू दिस ड्राइवर, तो होता क्या है कि मैक्सिमम करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्चुएशन होता है, दैट कॉजेस जो एलईडी है वो फ्लिकरिंग करती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये एलईडी को बारी बारी से चेक करना है। कैसे करना है, तो इसे हमने नया एलईडी से रिप्लेस कर कर देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा एलईडी फॉल्टी है कि नहीं है। तो आइए, तो सबसे पहले करना ये है कि देखिए प्लस वाली जो पॉइंट आती है वहाँ पे के एलईडी को पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं क्या है मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा है कि मैक्सिमम इसी टाइप के एलईडीज खराब होती है। तो हम ये फर्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ से हम निकालते हैं। तो आई एम यूजिंग सोल्डरिंग आयरन फॉर रिमूविंग दिस। ये देखिए ये जैसा कि ये 1 वाट की ग्रीन एलईडी है, ओके। तो ये हमने रिमूव कर लिया है, और हमारे पास क्या है, 1 वाट की ग्रीन एलईडी हमने पहले से ला के रखी हुई है। तो इसमें देखिए इसमें प्लस माइनस और इसके ओरिएंटेशन की बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है बीच में, ठीक है, तो ये जो है अपर साइड की जो है ये माइनस है। सो आई एम कनेक्टिंग दिस, दिस वन इज द पॉजिटिव ऑफ दिस एलईडी टर्मिनल एंड दिस वन इज द निगेटिव ऑफ द एलईडी टर्मिनल। सो ये हमने क्या कर दिया, इसे हमने लगाना है। हमारी एलईडी जो है प्रॉपरली लग गई है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट जो है सॉल्व हुआ कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें प्रॉब्लम वही है, ये पास से दिखाऊं जी, देखो ये देखिए। तो हम करेंगे इसमें कि एलईडी चेंज, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अब मैं ये जो माइनस साइड की एलईडी है ये निकाल के देखते हैं कि इससे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने एक दूसरा एलईडी ले लिया है, सॉरी दिस वन इज नेगेटिव। देखिए हमारा जो एलईडी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वो दोनों एलईडी जो थे खराब थे। तो उसके पीछे भी देखते हैं कि क्या है लॉजिक। अब हमने करना ये है कि जो सबसे पहले हमने जो एलईडी रिमूव किया था
मीन्स ये वाला, इस एलईडी को हम इस नए एलईडी की जगह पे माउंट करके देखते हैं कि कितनी एलईडीज जो है एक टाइम पर खराब हो सकती है। जो पहली वाली एलईडी थी वो हम लगा रहे हैं, ये देखिए ये हमने लगा दिया। अब इसे चेक करते हैं कि ये ग्लो करता है कि नहीं, और देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारी फॉल्टी एलईडीज थी वो सिर्फ एक ही एलईडी थी। ये मैं बंद करके इसे दिखाता हूँ, करीब से देखते हैं। तो सिर्फ एक ही एलईडी जो है, ये वाली एलईडी हमें चेंज करनी पड़ी, बाकी फॉल्ट हमारा सॉल्व हो गया।